Assalamualaikum. In this video, we are going to learn how to create a vertical timeline using pure HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक वर्टिकल टाइमलाइन बना सकते हैं यूजिंग प्योर HTML एंड CSS. ये पूरी कंप्लीट यानी खूबसूरत है और इसमें यहाँ पे आइकन भी डिस्प्ले होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ना मैं नेट कनेक्ट कर रहा हूँ. जैसे नेट कनेक्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास आइकन जो भी शो होंगे, तो इन जो फॉन्ट आसम है वो उसका CDN लगे हुआ ना, तो ऑनलाइन वो यहाँ पे शो होंगे. वो नेट कनेक्ट हो ले तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे. इसे हम बनाएंगे प्योर HTML CSS के साथ. इसमें हम बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे. इसमें CSS के सोडो एलिमेंट्स जो हैं उनको भी हम अगेन देखेंगे. इसके अलावा इसमें और भी एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम देखेंगे. ये हमारे पास आइकन्स भी आ गए, तो ज़्यादा ही टाइम को वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट हम इसे स्टार्ट करते हैं. अगर आप लोग चैनल पर न्यू चैनल प्लस में सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें. अच्छा, सबसे पहले आता हूँ कोड एडिटर में, जिसमें मैं आपको HTML का कोड जो एक्सप्लेन करूँगा. CSS का हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे सारा, लेकिन HTML का मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको. इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर कर देता हूँ, क्योंकि मेन तो आप लोग कोड समझना है ना. अगर मैं आपको कोड समझा दूंगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अगर इसे मैं लाइन बाय लाइन लिखूंगा HTML का कोड भी, तो हमारा डबल टाइम लगेगा. तो फिर वीडियो का एक्सपोर्ट वगैरह करना और अपलोड करना, उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसलिए आपको ऐसे बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा जो है ना इन लेक्चर बोरिंग हो जाएगा अगर मैं एक एक लाइन जो है वो ड्रा करूँ. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बेसिक HTML का टैग, उसमें हमने फॉन्ट ऑसम का CDN लगा दिया. आप सिंपली जाकर गूगल पे लिखोगे फॉन्ट ऑसम CDN, तो आपके पास एक CDN लिंक आ जाएगा. वो आपने यहाँ पे इंक्लूड करना, ये वाली जो लिंक है ये आपने इंक्लूड कर लेना. उसके बाद अपने स्टाइल और CSS की फाइल आपने लिंक कर लेनी है. ये बेसिक HTML की प्रैक्टिस है. इतनी मैंने आपको लास्ट और जो बेसिक वीडियोज में बताया हुआ, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास यानी बॉडी का टैग है. बॉडी के अंदर हमने एक डी वैल्यू उसको क्लास लगाई कंटेनर, यानी बॉडी के अंदर कंटेनर एक आ गया. एक हमारे पास बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर हमने एक और बॉक्स लगा लिया. अब कंटेनर के अंदर हमने एक ऊपर बॉक्स लिया, यानी उसको हमने डी वैल्यू उसको क्लास दी बॉक्स. बॉक्स के अंदर फिर एक डी वैल्यू उसको हमने क्लास दी कंटेनर थ्री. उसके कंटेनर थ्री के अंदर हमने एक स्पैन का टैग लिया, उसको क्लास दी आइकन. उसमें हमने सर्च का आइकन लगा दिया. उसके बाद इनपुट का हमने टैग लिया और इनपुट की टाइप हमने सर्च की आईडी सर्च प्लेस होल्डर सर्च. उसके बाद हमने इसके नीचे एक और जो है ना वो टैग लिया डिवली, उसको हमने क्लास दी लेफ्ट बॉक्स. लेफ्ट बॉक्स ये है हमारे पास जिसमें हमारे पास ये आइकन डिस्प्ले हो रहे हैं. तो जितने भी हमारे पास आइकन थे वो हमने एक लेफ्ट बॉक्स डिव लगाई, उसके अंदर नैव का टैग लगाया, नैव के अंदर ए के टैग लगाए और उसको हमने और हर टैग के अंदर डिफरेंट आपने उसमें फॉन्ट ऑसम में वो लगा दिए, डिफरेंट आइकन्स लगा दिए. तो ये सारे हमारे पास आइकन्स लग गए. और उसके बाद फिर हमने एक और डिव ली, उसको हमने क्लास दी राइट बॉक्स. राइट बॉक्स के अंदर हमने एक और डिव ली, उसको हमने क्लास दिया RB कंटेनर. इसका मतलब है राइट बॉक्स कंटेनर. उसके अंदर हमने एक और UL ली, UL को हमने क्लास दी RB. RB का मतलब है राइट बॉक्स, मतलब UL RB, वो UL जिसको हमने क्लास दी RB यानी राइट बॉक्स. उसके अंदर फिर हमने एक और यानी ली LI के टैग लिए. जैसे कि आपको पता है UL में LI के टैग होते हैं, LI के यानी लिस्ट आइटम होती हैं. तो उसमें हमारे पास हमने जो LI है उसको क्लास दी RB आइटम राइट बॉक्स आइटम. RB का मतलब राइट बॉक्स डैश आइटम, मतलब राइट बॉक्स आइटम. हमने उसको शॉर्टकट में लिख दिया. फिर उसके बाद एक डिव ली, उसको हमने क्लास दी टाइम स्टैम्प, जिसमें हमने टाइम को शो करवाना है. उस डिव के अंदर हमने टाइम को शो करवा दिया. फिर इसके नीचे एक और डिव ली, उसको हमने क्लास दिया आइटम टाइटल. उसके अंदर हमारे जो आइटम के टाइटल्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे. दैट्स इट, इतना इसका ये LI का टैग होगा. अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेना 3 दफ़ा, कॉपी पेस्ट पेस्ट. उसमें हमने सिर्फ टाइमिंग चेंज करनी है, मतलब टाइम स्टैम्प इसका चेंज कर देना है और आइटम के जो टाइटल्स हैं वो चेंज कर देने हैं, क्योंकि हर आइटम का टाइटल जो है डिफरेंट होगा. दैट्स इट, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है. उम्मीद है आपको HTML का जो कोड है वो समझ आ गया. बहुत ही आसान से था. अगर आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं इसे आराम से स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो. अगर आप स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहते हो तो बड़े आसानी के साथ आप इसे लिख सकते हो. बिल्कुल बेसिक सी ये प्रैक्टिस है. अब आता हूँ स्टाइल और CSS की फाइल में और इसको मैं छोटी स्क्रीन पर कर लेता हूँ. इसको डबल स्क्रीन कर लेते हैं ना, साथ में हमारे पास लाइव प्रीव्यू भी ओपन रहा है. लाइव प्रीव्यू हो गया, ये हमारे पास कोडिंग आ गई. तो इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव. ये हमारे पास आइकन था थोड़ा सा. अगर आपको आइकन थोड़े से लेट डिस्प्ले हो ना, इसका मतलब ये कि मेरा नेट थोड़ा सा भी यानी स्लो वर्किंग कर रहा है. अगर आपको उसी वक्त शो नेट यानी ये फॉन्ट ऑसम जो CDN है वो आ रहा है इंटरनेट के जरिए, मतलब डायरेक्टली लिंक है CDN है ना, तो इंटरनेट के जरिए चलेगा. तो इंटरनेट अगर लो होगा तो ये आइकन जो है वो शो नहीं होंगे.
अभी जो आइकन जो नेट है वो बिल्कुल सही चल रहा है, तो मैं तो यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बॉडी का टैग, बॉडी को हमने सिंपली बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है और स्टार मार्क लगाया कि बेस्ट रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताई है कि आपकी हर सी एस एस की जो फाइल है उसमें ये लाजमी कोडिंग होनी चाहिए। तो आप अपनी हर एलिमेंट को अपने हिसाब से स्टाइल कर लोगे, बॉक्स साइजिंग, वाटर बॉक्स, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ये तीनों तो लाजमी है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट स्टाइल नान, ये भी आपने लगा लेना, क्योंकि अक्सर हमने लिस्ट का स्टाइल भी नान करते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नान कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद कंटेनर, कंटेनर के हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे डॉट कंटेनर, तो हमने कंटेनर को टारगेट किया, तो इसको सबसे पहले पोजिशन देंगे रिलेटिव और इसको बैकग्राउंड देंगे। तो बैकग्राउंड के लिए इसका हमारे पास कोड है वो ब्लैक है, ब्लैक लाइट से ब्लैक कलर है, तो उसके लिए कोड 23, 29 और 31। तो हल्का सा एक ब्लैक कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया और विड्थ इसको हमने दे दी, विड्थ इसे हम देंगे 440 पिक्सल और हाइट इसे देंगे, हाइट इसकी होगी 500 पिक्सल और इसको हम मार्जिन देंगे, मार्जिन इसका हमारे पास होगा टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 8, ताकि ये हमारे पास जो है सेंटर में शो हो। और मार्जिन टॉप इसे हम देंगे 5% और बॉक्स शेडो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बॉक्स शेडो और वो हम इसे देंगे 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल, नॉट 30 पिक्सल, 20 पिक्सल RGBA। तो RGBA में हम इसको देंगे रेड, इसको हम देंगे 199 और ग्रीन भी 199, ब्लू भी 199 और जो अल्फा होगा वो इसे हम देंगे 0.5। इसके ऊपर हल्का सामने एक बॉक्स शेडो जो वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट बॉक्स, तो लेफ्ट बॉक्स में हमारे पास आइकन लगे हुए हैं, तो यहाँ मैं लेफ्ट बॉक्स को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे हम कमेंट कर लेंगे और कमेंट में लिख देंगे लेफ्ट बॉक्स, और लेफ्ट बॉक्स को यहाँ पे हम करेंगे सबसे पोजीशन देंगे से दूंगा एब्सोल्यूट, ताकि अपनी मर्जी से हम इसे मूव कर सकें, और लेफ्ट इसे मैं दूंगा 5% माइनस 5% 5%, और सेम इसी तरह से हम इसको टॉप जो है वो भी देंगे, टॉप भी से हम देंगे -5% नॉट 55%, और साथ में इसको हम हाइट देंगे, हाइट इसकी होगी हमारे पास 110%, यानी एग्जैक्ट कुछ 100% होगी ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ताकि इसके एक और थोड़ा सा ऊपर शो हो, एक नीचे हमारे पास शो हो, और साथ में इसको मार्जिन हमारे पास टॉप, और मार्जिन टॉप इसे हम देंगे 5% और मार्जिन टॉप वैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको टॉप जो डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रीन दिया और सेव किया, ये हमारे पास ऊपर एक बॉक्स हो गया। अच्छा, इस ग्रीन के लिए हमारे पास जो कोड है, कलर कोड है वो हम लिखेंगे, वो हमारे पास है 50 और D8 और 90, ये बड़ा खूबसूरत सा एक ग्रीन कलर का ही एक इफेक्ट है, वो आ गया हमारे पास। हमारे पास लेफ्ट बॉक्स जो है वो भी डिज़ाइन हो गया, इसको हम मजीद इसको बॉक्स शेडो लगा सकते हैं, तो सेम यही वाला बॉक्स शेडो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, तो इस बॉक्स शेडो का हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसमें हम सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग कर लेंगे, इसको हम 15 कर देंगे और बाकी सारे को हम 3-3 कर देंगे, तो सेम बॉक्स शेडो इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। अब लेफ्ट बॉक्स के अंदर जो हमारे पास नैब का टैग है उसको हम करेंगे, तो डायरेक्टली एक ही नैब का टैग है, तो मैं डायरेक्टली इसे लिख लूँगा नैब और मार्जिन से हम करेंगे 2.6 EM और साथ में 8, और उसके बाद जो नैब है इसके अंदर हमारे पास एक टैग है, उनको हम स्टाइल करेंगे, जितने भी नैब है उसके अंदर एक टैग, उसको हम पैडिंग देंगे, पैडिंग हमारे पास होगी 35 पिक्सल और कलर जो हमारे पास ये ब्लैक चल रहा है इसी को हम करेंगे, और फॉन्ट साइज, फॉन्ट इसका हम करेंगे 1.1 EM और साथ में इसको हम देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि ये अलग अलग लाइन हमारे पास डिस्प्ले हो, डिस्प्ले ब्लॉक, और ये ऊपर एक लाइन आ रही है इसको ख़त्म कर दें, डिस्प्ले ब्लॉक, ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे आल और 0.5 सेकेंड इज एन आउट कर दो या इज कर दो जो बन। अच्छा, स्पेस का ब्लॉक और मजीद इसको हम टेक्स्ट लाइंस का हम सेंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसका टेक्स्ट लाइन करूँ सेंटर, या हम इसको एक विड्थ दे देते हैं, तो यहाँ पे इसे मैं विड्थ देता हूँ
15%, तो इसका हमने ये भी सेव किया और ट्रांजिशन ऑल। अभी हमारे पास कुछ बेहतर आ रहा है और मजीद हम इसको यहाँ पर करते हैं और इसका हम टेक्स्ट लाइन जो सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, उस लाइन को कॉपी कर ऊपर भी लगा देते हैं। और यहाँ पे हाँ ठीक है, और डेमो हमारे पास कैसे ठीक है, डेमो भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे इसका जो लेफ्ट है वो -5 के लिए हम 5 कर देते हैं, अब ये हमारे पास सही डिस्प्ले होगी। थोड़ा सा छोटा यहाँ पे अच्छा, उसके बाद नैव के जो आइकन्स हैं एक अटैक वो भी हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है राइट बॉक्स, उसके लिए यहाँ पे कॉमेंट करूँगा राइट बॉक्स, तो अब राइट बॉक्स को हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए हमारे पास दी हुआ राइट बॉक्स ये वाली, और इसको कॉपी करेंगे, स्टाइल और CSS में आया और इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो इसको सबसे पहले हम देंगे पैडिंग, तो पैडिंग की हम देंगे 0 EM और 34 EM, साथ में फिर 0 EM और 0 EM, अलग से हमने इसको पैडिंग दे दी। और उसके बाद हम इसको हाइट देंगे, हाइट इसको हम देंगे 100%। और उसके बाद RB कंटेनर, मतलब राइट बॉक्स डॉट RB- कंटेनर, ये हमारे पास यहाँ पे होगा डॉट RB कंटेनर। तो इसको हम देंगे विड्थ हम इसे देंगे 50% मार्जिन, मार्जिन से हम देंगे 8। और स्पेलिंग मिस्टेक नो, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, RB कंटेनर को राइट बॉक्स कंटेनर, तो यहाँ पे हमने कर दिया राइट बॉक्स कंटेनर। इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक और पोजीशन, पोजीशन इसकी हम करेंगे रिलेटिव। तो इसकी ये पैडिंग ये वाली है, इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा कर देता हूँ कॉमेंट, और ताकि इसको हम अच्छे से डिज़ाइन कर लें, फिर इसका हम जो पैडिंग ख़त्म करेंगे तब हमारे पास सही से इसका स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद RB कंटेनर, और RB कंटेनर के अंदर हमारे पास जो UL का टैग है, और वो वाला UL जिसको हमने क्लास लगाई हुई RB, हमने UL को क्लास लगाई ना RB, तो उसको हमने डायरेक्टली स्टाइल किया मार्जिन, मार्जिन इसका हम करेंगे 2.5 RM, और साथ में हम इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग इसकी होगी हमारे पास 0, और साथ में डिस्प्ले, डिस्प्ले से हम देंगे इनलाइन ब्लॉक, तो उसका हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट LI के जो टैग है उनको हम स्टाइल करेंगे, तो इसके लिए मैं इस सारे को यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे आया, अब करूँगा कि इसके अंदर जितने भी LI के टैग हैं उसको मार्जिन कर दो 8, मार्जिन को हमने दे दिया 8, और मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट हमने उसको दे दिया 10 EM, और साथ में हम इसको यहाँ पे मिनिमम हाइट देंगे, मिनिमम हाइट इसे हम देंगे 50 pixels, और साथ में इसको बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट हम इसको देंगे 1 pixel, सॉलिड और डैशेड, सॉलिड भी हो और साथ में हमारे पास इसके डैशेड भी हो, और कलर इसका हो वाइट, एक वाइट कलर का डैशेड वाला यहाँ पे हमारे पास लगना चाहिए। बॉर्डर लेफ्ट RB कंटेनर इट शुड बी देयर, और बैकग्राउंड के साथ लगा लेते हैं, बैकग्राउंड इसके ऊपर लग गया, तो इसको हम पैडिंग यहाँ पर लिखते हैं, बस का मैं 1 ऐसे सॉलिड की जाएँ, अच्छा सॉलिड हमें डैशेड भी दिए हुए हैं, दो हमें इकट्ठी प्रॉपर्टी दे दी थी ना, यहाँ पर सॉलिड भी था और डैशेड भी था, या तो हम सॉलिड दें तो एक लाइन आ जाएगी, या हम यहाँ पे डैशेड दें तो हम यहाँ पे इसको डैशेड देंगे, तो डैशेड वाला हमारे पास आ जाएगा, और साथ में उसको हम पैडिंग देंगे, तो पैडिंग इसकी होगी 0, 0, 50 pixels और 30 pixels। अच्छा हमें पैडिंग दे दी विड्थ, विड्थ हम इसकी करेंगे 100%, तो ये 100% हमारे पास अलाइन हो जाएगा, और पोजिशन हम इसकी करेंगे रिलेटिव, पोजीशन इसकी रिलेटिव की, और अब ये जो इसकी पैडिंग थी यहाँ पे इसको कॉमेंट ख़त्म कर देते हैं, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट चाइल्ड है उसको हम करेंगे, यानी जितने भी ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं
ये एल आई का लास्ट चाइल्ड है, इसको हम यहाँ पर करेंगे लास्ट चाइल्ड। तो लास्ट चाइल्ड का बॉर्डर लेफ्ट जो है, बॉर्डर लेफ्ट वो इसका हो जाए ज़ीरो। तो बाकी सब के साथ बॉर्डर आ रहा होगा, लेकिन लास्ट वाले के साथ बॉर्डर जो है वो नहीं आ रहा होगा। लास्ट चाइल्ड ये वाला ना एल आई, उसका हमने बॉर्डर जो है वो ज़ीरो कर दिया, लेफ्ट वाला हमने सिर्फ लगाया लेफ्ट था। तो अब मैं एल आई को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर एल आई को किया सिलेक्ट, और यहाँ पे इसका बिफोर, उसने सूडो एलिमेंट आपको बताया था, हम इसका सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो इसके बिफोर को हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी, और कंटेंट, कंटेंट हमने इसका किया एम्प्टी, और यहाँ पे हम इसको फिर देंगे लेफ्ट, लेफ्ट इससे हम देंगे -80 पिक्सल, और साथ में हम इसको देंगे टॉप, टॉप इसे हम देंगे -5 पिक्सल, और बॉर्डर, बॉर्डर में इसको दे दिया 8 पिक्सल, 8 पिक्सल सॉलिड, और RGB है, और यहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर लगाएंगे हल्का सा, 250 और 250, और अल्फा जो इसका वो होगा हमारे पास 8। बॉर्डर में इसको लगा दिया, और यहाँ पे इसको हम जो बैकग्राउंड है वो लगा देंगे, बैकग्राउंड हम इसको लगा देंगे ग्रीन, जो हमारे पास कलर चल रहा है, बैकग्राउंड हम इसको लगा दिया। और यहाँ पे इसको हाइट देंगे, हाइट इसका हम देंगे 20 पिक्सल, और सेम इसको विड्थ जो है वो भी देंगे 20 पिक्सल, और साथ में इसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर रेडियस वो से हम देंगे 50%। ये मेरे पास एक सर्कल बन गया, यानी इसके साथ लाइन के ऊपर सर्कल बन गया सूडो एलिमेंट को यूज़ करते हुए। और ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आल 0.5 सेकेंड, और ईज इन आउट, अब इसके ऊपर हल्की सी ट्रांजिशन होगी, वो अब इसके हम होवर पे अप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पर नीचे लगा लूँगा, लेकिन अब एल आई के हम होवर पे करें, तो यहाँ पर हम इसको डैश लगा के होवर, ये अब इसके ऊपर होवर करें, तो ये वाले जो स्टाइलिंग है उसके साथ क्या हो, तो सिंपली जो उसका बॉर्डर है, बॉर्डर वो 8 पिक्सल सॉलिड, और उसका जो कलर है वो हमारे पास हो जाए ये ब्लैक वाला। अब इसका होवर करेंगे, उसका जो कलर है वो 0.5 सेकेंड आल में वो हमारे पास चेंज हो रहा है, और इसके ऊपर हम अलग से ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, ट्रांजिशन हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, ट्रांजिशन इसको लगा सकते हैं आल 1000 मिली सेकेंड, और साथ में ईज इन आउट। अब इसको होवर करेंगे, बड़े खूबसूरत इसको इसके ऊपर एक इफेक्ट हमारे पास लग जाएगा। और अब इसके बाद हमारे पास ये जो टाइम स्टैम्प है इसको हम स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प वाले जो क्लास है उसको कॉपी करता हूँ, ये आ रहे हैं मेरे पास टाइम स्टैम्प, इसको किया कॉपी, स्टाइल डॉट CSS में आया, और यहाँ पे कमेंट करके टाइम स्टैम्प लिखा, और जहाँ पे हम लिखते हैं UL, और UL के अंदर जो एल आई का टैग है, और उसके अंदर जो क्लास लगी हुई है टाइम स्टैम्प, यहाँ पर डायरेक्ट इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि UL वो वाला जिसको हमने राइट बॉक्स वाली क्लास दी हुई है, उसके अंदर जो एल आई है उसके अंदर टाइम स्टैम्प डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, और वैसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं एक कलर दूंगा, कलर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, ये हमारे पास ग्रीन चल रहा है, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। अगर आप इसको ख़त्म भी कर दो तब ये एग्जैक्ट काम करेगा, अगर इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दो तब ये एग्जैक्ट काम करेगा, लेकिन बेस्ट यही होती है कि आप उसे एग्जैक्ट सेलेक्ट करो। एग्जैक्ट हमें उसको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, और पोजिशन उसको देंगे, पोजिशन उसको देंगे रिलेटिव, और विड्थ, विड्थ हम उसको देंगे 100 पिक्सल, और साथ में फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसको हम देंगे 12 पिक्सल, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा होगा, और एग्जैक्ट हमारे पास जो है ये डिस्प्ले हो रहा होगा। और अब इमेज का जो टाइटल है जिसमें हमारे पास ये वाले लिखे हुए हैं, इसकी क्लास का नाम यहाँ से करूँगा कॉपी, इमेज टाइटल को यहाँ से किया कॉपी, स्टाइल डॉट CSS में आया डॉट इमेज टाइटल, और उसका हम यहाँ पे कलर कर देंगे वाइट, उसका कलर हमारे पास वाइट हो गया। अब कंटेनर थ्री जो हमारे पास ये वाले हमारे पास क्लास होगी कंटेनर थ्री की, ये वाली कंटेनर थ्री, इसको यहाँ से करूँगा मैं कॉपी, और स्टाइल डॉट CSS में आया, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट कंटेनर थ्री, और यहाँ पे इसको विड्थ देंगे, विड्थ से हम देंगे 5 em, और साथ में इसको वर्टिकल अलाइन, और राइट राइट, और साथ में हम इसको यहाँ पे वाइट स्पेस देंगे, वाइट स्पेस हम देंगे नो रैप, इसमें कोई रैप ना हो, और साथ में इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट।
तो ये हमारे पास सही सी स्टाइल हो गया। कंटेनर थ्री की जो क्लास है हमने यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पे भी और बस यहीं पर यूज़ हो रही है कंटेनर थ्री की क्लास। कंटेनर थ्री की क्लास हमारे पास रिपीट नहीं होगी, इसमें हमारे पास आइकन लगे हुए हैं। उसके बाद हम जो सर्च बॉक्स है उसको स्टाइल करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास सर्च बॉक्स आ रहा है, तो सर्च बॉक्स के लिए हमारे पास जो क्लास है यानी ये ऊपर कंटेनर और कंटेनर थ्री के अंदर हमारे पास जो सर्च बॉक्स है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंटेनर थ्री और ये सर्च, इसकी आईडी हमारे पास सर्च, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, स्टाइल डॉट सी एस एस में इसको लिखता हूँ सर्च, और यहाँ पे हम कंटेनर थ्री के अंदर जो इनपुट का टैग है और वो इनपुट का टैग जिसको हमने आईडी लगाई हुई है सर्च, या डायरेक्टली आप इसे भी स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको मैं विड्थ दूँगा, विड्थ से दूँगा 150 पिक्सल और हाइट इसको देंगे 30 पिक्सल। अच्छा, डायरेक्टली स्टाइल करने का मतलब था कि अगर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे इनपुट लिख दोगे तब भी ये हमारे पास स्टाइल होगा, लेकिन मैं इसके साथ में आईडी भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि वो आईडी जिसके साथ इसको वो वाली इनपुट जिसको हमने आईडी लगाई हुई सर्च, तो वो वाली इनपुट इसको हमने आईडी जो सर्च लगाई हुई, तो एग्जैक्ट इसको स्टाइल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका हम डिफाइन कर देंगे एफ बी, ये भी लाइट सा हमारे पास एक वाइट कलर बन जाता, हल्का सा वाइट नहीं होता। बॉर्डर इसका हम करेंगे नन और बॉर्डर इसका ख़त्म हो गया। आप इसमें क्लिक करते हैं, ये ऊपर शो हो रहा है कोई बॉर्डर सा, वो होता है आउटलाइन, तो आउटलाइन भी हम यहाँ इसको नन कर देंगे। अब इसमें एग्जैक्ट क्लिक करेंगे तो ये किसी तरह से भी काम नहीं करेगा। और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस इसे हम लगा देंगे 5 पिक्सल और साथ में इसको हम मार्जिन देंगे, और मार्जिन हम इसे देंगे 0.9 rem और 0.0 और साथ में 28.5 em। तो आप पैडिंग और मार्जिन वाली जो वीडियो वो सीएसएस वाली सीरीज़ में जाके आप देख सकते हो अगर जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है इसका। तो यहाँ पे नीचे है और जा इसको बॉक्स शेडो अप्लाई करेंगे, बॉक्स शेडो और वो से हम देंगे 3 पिक्सल और फिर 3 पिक्सल 15 पिक्सल RGBA और RGBA में हमारे पास ये वाला जो है 199 और साथ आखिर लास्ट में 0.5, ये वाला इसमें हमने एक शेडो लगा दिया। उसके अंदर हमारे पास जो लास्ट में आता है ये आइकन, इसको हम स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए हम कंटेनर थ्री के अंदर जो आइकन वाली क्लास है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे डॉट आइकन और सबसे पहले उसको हम मार्जिन देंगे, तो मार्जिन हमारा होगा 1.3 rem और फिर 3 rem और साथ में हम इसको देंगे 0 और 31.5 em और ये भी इसको em कर दो, नॉट rem। अब ये हमारे पास यहाँ पे सर्च बॉक्स आ गया और जो सर्च वाला थी इनपुट ये यहाँ पे चलेगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम इसको पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, तो ये वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगा और ये इसके अंदर हमारे पास स्टाइल हो जाएगा। मज़ीद आप इसको हम स्टाइल कर सकते हैं, अगर इसको मज़ीद आप कलर या पैडिंग कोई चीज़ देना चाहो तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जो इनपुट है उसको स्टाइल करेंगे कि इनपुट का जो टैग है उसका प्लेस होल्डर ये हमारे पास ये आ रहा है, ये कलर सर्च वाला जो प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है, तो उसका हम कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, इसका यहाँ पे कलर लुक लिखूँगा और यहाँ पे ग्रीन, ये प्लेस होल्डर के अंदर जो है वो भी कलर उसका ग्रीन हो गया। और यहाँ पे इसको हम पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग से दूंगा 5 em और साथ में 1 em और इस तरह से ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब इसको अगर बड़ी स्क्रीन पर करूँ तो एग्जैक्टली हमने डेमो में बनाया था वही सेम वाला हमने यहाँ पर बना दिया, ये हमारे पास डेमो है इसका और ये हमारा अभी है जिसको हमने अब इस वक्त तैयार किया है। इस तरह से आप इसे एक बड़े खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है टाइमलाइन जो यूजिंग HTML CSS आप बना सकते हो, और थोड़ा सा बस आपने इसमें गौर करना है तो कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, बस वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको बस इस्तेमाल करने की का तरीका है कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।